नालंदा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि नूरसराय थाना इलाके के गांव में जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जन्मदिन की पार्टी के दौरान बार बलाओं के डांस को भी व्यवस्था की गई थी। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मंगरेला पासवान अपना बेटा के इसके बीच में नाच मंगवाया था, प्रोग्राम करवाया था, उसको कह के मतलब भाई इसको था मंटू पासवान, जो एक बार गोली छोड़ा था, उसके बाद में गांव वाला आदमी से पकड़ पकड़ के उसको फिर छीन के रख दिया था। उसके बाद दोबारा फिर कह के मतलब फिर पिस्तौल निकाला, कमर से निकाला, वो सब डांस कर रहा था। ऐसे सब कह के मतलब 50 को बच्चा था, उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसे कह के मतलब लगता दुश्मनी था इससे, इसको गोली सटा। और ज्यादा जानकारी के लिए नालंदा से राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश माफ कीजिएगा, राकेश क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कि जमीनी विवाद में किसी की इस बच्चे की हत्या हुई है, फिर या कुछ और मामला सामने निकल कर आ रहा है? जी बस बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है फिलहाल तो अभी ये असमंजन की स्थिति बनी हुई है कि ये इसके सार्वजनिक कार्यों पर जमीनी विवाद चल रहा था जिनके यहाँ बर्थडे पार्टी था उनसे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा पुलिस के द्वारा अभी कोई बात नहीं बताई गई है कि हाँ जमीनी विवाद था या फिर और कोई पुरानी रंजिश को लेकर इसकी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से ये है कि राकेश किसी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई हो अभी तक, किसी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है पुलिस के द्वारा? जी बताना चाहूंगा, जहाँ तक की जानकारी के अनुसार अभी तक किसी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस जब गांव पहुंची थी उस समय तक शव को लेकर परिजन अस्पताल आ चुके थे। अभी पोस्टमार्टम का प्रक्रिया किया जा रहा है, उसके बाद जिस तरह से अभी हालांकि पुलिस के अनुसार इस मामले को अभी छानबीन के रूप में यही देखा गया है कि प्रथम दृष्टि तो हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, और जो जमीन की बात आ रही है, बात सामने आ रही है, उसको लेकर के पुलिस अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन अभी प्राथमिकी दर्ज किसी के ऊपर नहीं की गई है परिजनों के द्वारा। जी जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राकेश। तो आपको बता दें कि नालंदा की खबर है जहां एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमीनी विवाद बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं नालंदा जिले के बेलदरिया गांव में दहेज के लिए पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि स्मिता कुमारी की शादी बेलदरिया गांव निवासी नंदकिशोर प्रसाद वरुण के साथ 2016 में हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा बार बार दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं रविवार की रात मृतका के पति ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के परिजनों ने बेन थाना में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की छानबीन कर रही है। गला दबाकर मारा गया है और उसका पति जो हमेशा अपना ससुर से जो है दहेज के लिए मांग डिमांड करता था, हमेशा मारपीट कर प्रताड़ित करता था और 2-3 बार पैसा भी दिया है कृष्णदेव पासवान ने अपने दामाद को। और वो जो है कल रात में जो है उसने 1-2 आदमी को सहारा लेकर के और घर में मीट बनाया, मुर्गा बनाया, रोटी वोटी बनाया और सब कुछ मौजूद है। और वो जो है गला दबा